आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप ईमेल के माध्यम से आप केवाईसी कैसे कर सकते हैं, जो कि सबसे आसान तरीका है। चौथा तरीका जो है, आप जैसे मैं कह सकता हूँ कि आप आधार कार्ड के माध्यम से, ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से, वोटर आईडी के माध्यम से, पासपोर्ट के माध्यम से, और पांचवा जो सबसे आसान तरीका है वह सेंड पैन kyc@gmail.com पे आप अटैच करके अपना जो डॉक्यूमेंट है, लग आईडी, मोबाइल नंबर आप लिख के भेजते हैं तो आपका केवाईसी हेड ऑफिस के माध्यम से ही आपका डन कर दिया जाता है। ये सबसे आसान तरीका मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कोरोना का पार्ट टू शुरू हो चुका है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कोरोना का जो दूसरा दौर है वह चालू हो चुका है, या ये भी कह सकते हैं फिल्मी भाषा में कि कोरोना 2.0 आरंभ हो चुका है। और साथ ही जो आरंभ हो चुका है वो सबसे दमदार चीज़ ये है कि कोरोना से भी जो सबसे खतरनाक जो एक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये अपने रुझान देना शुरू कर चुके हैं। लगातार हर दिन केसेस इसके बढ़ते जा रहे हैं, चाहे संक्रमित पाए जाने लोगों की संख्या हो या जो मौतें हो रही हैं उनकी जो संख्या है। और साथ ही जो सबसे बड़ी मीडिया है, जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव जो इन्फॉर्मेशन फैलाती है पूरे जनतंत्र में, वह मीडिया है लोगों की मीडिया। आपको इस प्रकार की जो मीडिया है, गली नुक्कड़ चौराहे पर, पुलिया पे और यदा कदा कहीं पर भी आपको मिल जाती है बातचीत करते समय। आप नहीं चाहते हुए भी अपने कानों को नहीं रोक पाते हैं यह सुनने के लिए कि उनके यहाँ कोरोना, चारों ओर कोरोना, कोरोना ही कोरोना। नहीं चाहते हुए भी आप अपने कानों को नहीं रोक पाते हैं। लेकिन मैं आपको दोस्तों बताऊँ कि इसी कोरोना के दौर से हमारी जो अपने बिजनेस का थोड़ा सा लेना देना है, बाकी कुछ लेना देना नहीं। हमारा बिजनेस टोटल ऑनलाइन है, आप ऐसे समझ सकते हैं। आज के समय में केवल दो चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। एक प्रधानी का चुनाव और दूसरा कोरोना का प्रभाव। और आपको मैं बताऊं कि प्रधानी के चुनाव से हमारा कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन कोरोना के प्रभाव से थोड़ा सा लेना देना है। चूँकि पाबंदियाँ लग जाती हैं तो हमारा और आपका थोड़ा सा बाहर निकलना थोड़ा सा टाइट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आइए हम एक वीडियो के माध्यम से इसको सुनते हैं। हमारे देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, जो लॉकडाउन में हम जैसे स्किल डेवलप करके बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, या ऐसे कह सकते हैं कि स्मॉल बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, या नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग करने वाले बिजनेसमैन लोगों के लिए, उन्होंने कोरोना के समय में क्या एहतियात, क्या डेवलपमेंट करने के लिए, किस तरह की चीज़ों को जानने और अवेयर करने की बातें बताई हैं, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा। साथ ही मैं ये दिल खोल के बताना चाहूँगा, सच बताना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा पुराना है लेकिन है बहुत ही दमदार। ज़्यादा देर ना करते हुए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं, समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हम जैसे लोगों के लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अपने देश के क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, कोरोना के इस संकट ने वर्क कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल करके रख दिया, और बदलती हुई नित्य नूतन टेक्नोलॉजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है। नए वर्क कल्चर और नए नेचर ऑफ जॉब को देखते हुए हमारे युवा नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं। वैसे साथियों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में बिजनेस और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता रिलेवेंट कैसे रहा जाए। कोरोना के इस समय में तो ये सवाल और भी अहम हो गया है। साथियों, मैं इसका एक ही जवाब देता हूं,
रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखे, जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा, ये आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यूएशन किया, लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल, यानी रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है, उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है। और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ये है रीस्किल, और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना। जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल। स्किल, रिस्किल और अपस्किल का ये मंत्र जानना, समझना और उसका पालन करना हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे जब मैं स्किल की बात करता हूं तो मुझे अपने बहुत पुराने जानने वाले हमेशा याद आते हैं। मेरा सीधा परिचय तो नहीं था, लेकिन हमारे एक जानने वाले सज्जन बताते थे, वो उनके किसी परिचित के विषय में बताते थे कि वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। समय के साथ उन्होंने अपने हैंडराइटिंग में और भी नए स्टाइल जोड़ दिए, यानी खुद को रिस्किल किया। उनकी ये स्किल देखकर लोग खुद उनके पास पहुंचने लगे, लोग उनसे कहते थे कि हमारे यहां स्पेशल ओकेजन है तो इनविटेशन कार्ड पर नाम वगैरह लिखने का काम आप कीजिए। बाद में उन्होंने खुद को रीस्किल किया, अपस्किल किया, उन्होंने कई और लैंग्वेजेस में लिखना शुरू किया, और इस तरह से एक प्रकार से वो उनका कारोबार बन गया। बैठे बिठाए लोग उनके पास एक काम लेकर के आने लगे। शौक से पनपा हुआ एक हुनर, रोजी रोटी का और सम्मान। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी आपको पसंद आया होगा, और आप लोगों ने भी इसको अपने अंदर डेवलप करने की आपने थोड़ी सी कमिटमेंट किया होगा, क्योंकि सीखने से ही कुछ हो सकता है, बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। आज जो ज़माना, जो दौर गुजर रहा है, इसमें हम किसी को दोष देने के बजाय वही समय, वही दिमाग, वही खर्च, जो भी एनर्जी का खर्चा है या पैसे का खर्चा है या जो कुछ भी का भी खर्चा है, वो जो भी एक्सपेंसेस है वो हम अपने पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे लगाएं तो बेहतर होगा। दोष देने से, रोने से कुछ होने वाला नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही पेशेंसफुली तरीके से आप लोगों ने आज का ये वीडियो देखा, बल्कि बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखा, पसंद किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का ये वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।